साहित्य की क्लास में आज हमारा राजा शूद्र कृत मृक्ष कटकम के ऊपर व्याख्यान होगा, जिसमें यह संस्कृत का प्रकरण है। लिखो मृक्ष कटिकम प्रकरण। शूद्र कृत मृक्ष कटकम किसने लिखा है? लिखो इसको, मृक्ष कटकम किसने लिखा है? शूद्र मृक्ष कटिकम छह है, छाता वाला छह मृक्ष कटिकम। हाँ और हाँ लिखवाएंगे अभी, ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध को जो क्रम से सीरियल से लिख रहे हो क्या? चलो लिखो, सब आता नहीं, जो आता है उसी को लिखो। पहले प्रसिद्ध लिखा रहे हैं, फिर प्रसिद्ध वाला आपको मैटर दे दिए जाएंगे। जी कल नहीं आए थे क्या? राजा शूद्र मृक्ष कटकम किसने लिखा है? राजा शूद्रक ने। यह क्या है? दस अंकों का प्रकरण है। देखो यह दस अंकों का प्रकरण है, इसका प्रधान रस श्रृंगार है। दस अंकों का प्रकरण है, इसका प्रधान रस श्रृंगार है। इसके प्रमुख पात्र, इसके प्रमुख पात्रों में चारुदत्त नायक, चारुदत्त नायक जी, वसंत सेना नायिका। चारुदत्त एक ब्राह्मण नायक है, इसमें जो है चारुदत्त नायक। हाँ चारुदत्त, चारुदत्त नायक है, वसंत सेना नायिका। अन्य पात्रों में लिखिए मैत्र, इसका सकार प्रति नायक है, सकार प्रति नायक। प्रति नायक मतलब खलनायक। अन्य पात्रों में लिखो सकार, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखिए, यहां से देखने जरूरत नहीं आपको। सकार मैत्रेय, मैत्रेय मैत्रेय। अन्य पात्रों में लिखिए आगे मैत्रेय। अन्य में लिखिए सर्वलिक, सर्वलिक मदनिका, रदनिका। लिखिए सर मदनिका, रदनिका, रदनिका। अन्य पात्रों में, हाँ अन्य पात्रों में ही लिख रहे हैं सब ये ना। रोहसेन मदनिका, रदनिका, रोहसेन चारुदत्त का पुत्र है। पुस्तक में लिखिए चारुदत्त का पुत्र, चारुदत्त का पुत्र। इसी में एक राजा है, लिख लिया। चलो ठीक है, कथा इसकी सिंपल सी है। पेपर में क्या पूछा जाएगा? मृक्ष कटकम किसने लिखा है? राजा शूद्रक। यह क्या है? नाटक है कि प्रकरण? ही क्या है? प्रकरण। कितने अंक है इसमें? दस अंक है। प्रधान रस क्या है? श्रृंगार। नायक कौन है? चारुदत्त। नायिका वसंत। प्रति नायक सकार। और नायक का लड़का है रोसे। इसमें देखो नायक क्या है? पहले से शादीशुदा है, ठीक। नायक क्या है? पहले से शादीशुदा है, लेकिन नायक किस कोट का है जानते हैं? एक अच्छा आदमी है, भला आदमी है, परोपकारी आदमी है। और उसके इसी गुणों से वहाँ की एक जो नायिका है बहुत बड़ी नित्यांगना है, और वह उसके इसी गुणों से चारुदत्त से क्या करती है? प्रेम करती है। लेकिन चारुदत्त से प्रेम करती है कौन? वसंत सेना। अब इसी में एक मैटर, ये समस्या है, उस समय का जो राजा है उसका साला है, राजा का साला है कौन? सकार। राजा का साला है सकार, ये प्रेम करता है किससे? वसंत सेना। और वसंत सेना किससे प्रेम करती है? चारुदत्त से। इसलिए इसी में आया है रक्तव्या यो अनुरक्तव्या, कहा जो महिला प्रेम करती हो उसी से प्रेम करना चाहिए,
जो नहीं करता है उससे करने से आपको विनाश के अलावा और आपके नाश के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसने ही कहा स्त्री स्त्री सुच एक पंडिता, जो लोग स्त्री और धन पे विश्वास करते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं, इसलिए धन और स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये कौन कहता है? यही बोलता है सकार। और ये सब ये क्या हुआ? अब इसमें सीन कहां से आती है बताओ? ये वसंत सेना भाग रही है, उसके पीछे पीछे कौन है? सकार। अब इधर से ये भागते हुए किसके घर में जाती है? चारुदत्त के। चारुदत्त के घर में जाती है तो ये बहुत से गहना होना पहनी है, इसको क्या लगता है मेरा गहना लूट लेगा। और ये तो क्या है, इससे प्रेम करने के लिए इसके पीछे इसके दो लोग साथ में चेट और भीट इसके सपोर्टिंग रोल में है, किसके? सकार के। ये बेचारी अपना सारा गहना वही उतार के रख देती है, किसके यहाँ? चारुदत्त के घर, कि हमारी रक्षा करेंगे। और उसके कुछ ही दिनों बाद जो है, इसी में आप कैरेक्टर लिखे होंगे, कौन? सर्वलिक लिखे, सर्वलिक लिखे है ना, सर्वलिक ब्राह्मण है, सर्वलिक प्रेम करता है मदनिका से, ये देखिए। लेकिन मदनिका दासी है किसकी जानते हैं? वसंत सेना की। अब जब गया इसको छोड़ाने के लिए, कहा आप ये हमारी प्रेमिका, आप इसको छोड़ दीजिए, तो उसने कहा ऐसा है उसके बदले आप मुझे कुछ धन दौलत दे दीजिए, मैं इसको मुक्त कर देती हूँ। अब ये ब्राह्मण आदमी सर्वलिक, इसके पास पैसा कौड़ी कहा? इसने कहा मैं चोरी करता हूँ, ठीक, प्रेमिका के लिए इसने चोरी किया। अभी गया सेत काटने गया तो किसके घर में? चारुदत्त। उस समय सबसे बड़ा घर इसी का था, किसका? चारुदत्त। लेकिन उस टाइम ये बेचारा बहुत गरीब हो गया था, लेकिन वही वसंत सेना ने जो गहना रखा था इसी के यहाँ रखी थी, तो ये बेचारा सेत काटता है रात में और इसी का गहना पूरा उठा के लेके चला जाता है। गहना लेके कहाँ जाता है? किसको देता? वसंत सेना। वसंत सेना का ही गहना चुरा करके उसी को देता, वो देख के पहचान जाती है ये तो मेरा ही गहना है और वहां से चुरा के लाया। लेकिन वो सोचती है ये सच अच्छा प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका के लिए चोरी कर लिया है, भले ही मेरे गहने को फिर भी मुक्त कर देती है। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में ये लोग मिलने का प्लान बनाते हैं, कौन? चारुदत्त और वसंत सेना। एक उद्यान है उसी में मिलने जा रहे हैं। अब ये बात किसको पता चल जाती है? सकार को। अब ये चारुदत्त से पहले ही वहां कौन पहुंचता है? सकार। और सरकार इनसे जो है बहुत ताम झाम करता है, समझाता बुझाता है, ठीक, लेकिन ये जो है मानती नहीं है। कौन? क्या? अरे ये नायक है, नायिका है, ये उसका खलनायक है, समझ रहे? नहीं, मैंने बताया ना आपको, वसंत सेना किससे प्रेम करती है? चार जन से, गुणों से। और सरकार किससे करता है? वसंत से। इसलिए तो पहले कह दिया अनुरक्तव्या यो रक्तव्य, जो स्नेह करे उसी से स्नेह करना चाहिए, अन्य लोगों से नहीं करना चाहिए। इसलिए लड़के देखते नहीं है, बेचारे एक साल भागते हैं पीछे, दो साल पता चला वो कन्या हमको देखती तक नहीं है, और वो बेचारा पढ़ाई लिखाई पूरा चौपट उसका। इसलिए अगर उसने शास्त्र पढ़ा होता तो शायद ऐसा नहीं करता, ठीक। तो मेरे चकटिकम में इसने जो बात कहा सही कहा, भाई जो स्नेह करे उससे करिए, जो नहीं कर रहा आप क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, फालतू तो उसके पीछे पड़े हुए हो, उसको भी टेंशन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सकार इसके पीछे पड़ा होगा, ठीक। लेकिन जाता है समझाता है, राजा का साला है, पावरफुल आदमी है, और ये बहुत समझा नहीं मानती, इसका गले ही दबा देता है। किसको? वसंत सेना का। जो आप महिलाओं के साथ समस्या क्या है, लोग अनुनय भी नहीं करते हैं, अगर मांगे तो ठीक, अन्यथा मारने के अलावा कोई रास्ता पुरुषों के पास नहीं बचता, या तो जान से मार दो या तो छोड़ दीजिए, यही हो रहा है समाज। क्या इस बोले हैं कि लड़का भाग रहा हो, दोनों लोग जब नजदीक आते हैं तब दोनों भागते हैं, ये भी जान लीजिए। अरे हमने भागने कहाँ बात किया, बोले जाए लड़का दोनों हाथ से। अरे हमने इस अर्थ में कहा था कि लड़के अनावश्यक वो मूर्ख होते हैं, इन्हें इतना ज्ञान नहीं है अगला अनुरक्त है कि नहीं है, जो है मैंने इस अर्थ में कहा है, भागने उगने के सवाल नहीं मैंने नहीं ना, ऐसा वृक्ष कटिक में कहा गया है ना, कि मेरे कोई पर्सनल कम व्यक्तित्व नहीं है जो है व्याख्यान। तो यहाँ क्या हुआ, ये सकार इसको गला दबा के मार देता, इसको लगता है मर गई है,
वहां से भाग जाता है। एक बौद्ध भिक्षु आता है, इसको अपने यहाँ लेके जाता है, इसकी चिकित्सा व्यवस्था चल रही होती है, लेकिन ये क्या अपवाद फैलाता है कि चारुदत्त ने वसंत सेना को मार दिया और इसी के फलस्वरूप इसको फांसी हो रही है। किसको? चारुदत्त को। चारुदत्त की एक पत्नी है धूता है, इसकी पत्नी बेचारी धूता है, इसका लड़का रोसेन, ये सब चाहते हैं कि मेरे पति को फांसी होने वाली है। किसके हुता में? वसंत सेना के। लेकिन वसंत सेना जब इसको फांसी हो रही है उसी टाइम आ जाती है, जब जिसके उपलक्ष में फांसी हो रही है वही आ गई, तो उसने बताया मुझे चारुदत्त ने नहीं बल्कि सकार ने मारा था, तो उस समय इसकी इसकी फांसी टलती है और लोग इसकी फांसी की बात करते हैं। लेकिन चारुदत्त कहता है, बेचारा जो है चारुदत्त का, चारुदत्त कहता नहीं नहीं इसको फांसी मत दीजिए, लेकिन इसको यहाँ से देश निकाला कर दीजिए, ठीक, वहां से हटा देता है। फिर ये राजा बनता है। फिर क्या होता है, चारुदत्त वसंत सेना को अपने घर लाता है और धूता ये सब दो तीन लोग मिलके शांति से रहते हैं। यही इसका कथा नाच। आपसे पेपर में क्या पूछेगा कि वसंत सेना को कौन मारता है? कौन मारता है? सकार। वसंत सेना के गहने को कौन चुराता है? चारुदत्त। नहीं, सर्वली, ब्राह्मण जो होता सर्वली की प्रेमिका का क्या नाम है? मदनिका। ये इस तरह के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। उसी में आया है, आपको पता है ये चीजें आया है। मैं क्या आपको बताने चल रहा था, मरणम मह्यम रोचते। इसने कहा जब चोरी हो जाती है, कहा मरना मुझे अच्छा लगता है, अपयश से जीना है, मरणम मह्यम रोचते, मरना मुझे अच्छा लगता है। ये चीजें उसने कहा, शून्यम पुत्रस्य गृहम यस्य नास्ति सन्मित्रम, जिसका कोई अच्छा मित्र नहीं है उसका घर सूना होता, और कहा जिसके घर में पुत्र नहीं है उसके लिए सभी दिशाएं सूनी होती। तो ये चीजें होनी चाहिए, अगर आपके पास मित्र है तो भी ठीक है, अगर पुत्र नहीं है तो सारी दिशाएं क्या होती हैं? सूनी होती है। बहुत अच्छी बातें इसने बताया है। इसमें एक सामाजिक नाटक है, ऐसा कह सकते हैं यह एक सामाजिक नाटक है। आप लोग बच्चों कभी नाव देखा है, नदी देखा है, नदी में नाव चलती है देखा है, उसमें कौन बैठते हैं? सब बैठ सकते हैं ना। उसी में आया, इसने कहा जो समान वहां की वेश्याएं थी वो किसके समान होती हैं? नौका के समान होती है, लता के समान होती है। कौन? जिसे लता है कोई भी तोड़ सकता है, नौका है कोई भी बैठ सकता है, उसी के समान कौन होती है? वेश्याएं होती है। और उसने कहा पण्यभूत शब्द कहा है, पण्य मतलब इन लोगों का जो शरीर होता है पण्यभूत होता है, पैसे से खरीदे जाने वाले। चलो अगला ग्रंथ लिखो इसी का। कथा से क्वेश्चन एक दो सिंपली रहेंगे। अगला ग्रंथ लिखिए आप, प्रसिद्ध ग्रंथों में आता है स्वप्नवासवदत्तम। स्वप्नवासवदत्तम इसको लिखा है महाकवि भास। यह छह अंकों का नाटक है। स्वप्नवासवदत्तम को किसने लिखा है? महाकवि भास। कितने अंकों का नाटक है? छह अंकों का नाटक है। इसका प्रधान रस श्रृंगार है। हाँ तो और क्या, पेपर में ना जो मैं आपको इस टाइम पढ़ा रहा हूँ ये सब टेट स्तर के आ चुके हैं, आने वाले भी हैं, जो है मैं वही आपको पढ़ा ही रहा हूँ। स्वप्नवासवदत्तम ऐसे तो करता है, किसने लिखा है? भास ने। या पूछ देगा कितने अंक हैं इसमें? छह अंक है। और ये क्या है? नाटक है, महाकाव्य है, गीत काव्य है। फिर पूछेगा इसका प्रधान रस क्या? छह अंकों का नाटक है। छह अंक लिख दीजिए। इसमें कुल कितने अंक हैं? छह अंक हैं। किसमें? स्वप्नवासवदत्तम में सात है ना, वो अभियान शाकुंतलम में सात। छह उसमें सात अंक है। मतलब सात कैसे लिखे थे आप? कैसे लिखे थे ऐसे? अरे मैडम जी, ठीक है सुधार लिया जाएगा मैडम, आगे चलिए। संस्कृत में लिखा
हाँ प्रधान है श्रृंगार। इसके प्रमुख पात्र में लिखिए, नायक लिखिए उदयन, इसके नायक है उदयन और नायिका है वासवदत्ता। देखो जी इसके नायक कौन है उदयन, नायिका कौन है वासवदत्ता जी, और इसकी नायिका है वासवदत्ता। अन्य पात्रों में लिखिए पद्मावती, हाँ पद्मावती इसकी खलनायक है, योगंधरायण यहाँ महिला ही खलनायक, और महिला खलनायक है कल्पना कर सकते हो यहाँ क्या होने वाला होगा। ठीक वसुंधरा वसुंधरा अवंतिका, ज्यादातर ग्रंथों में महिला प्रधान ग्रंथ है जी वसुंधरा अवंतिका। हाँ अन्य पात्रों, अरे ये आगे देखिए उदयन वासवदत्ता पद्मावती कर रही है, पद्मावती योगंधरायण वसुंधरा ये सब अन्य पात्र हैं, उसी में आए हुए हैं अवंती, सपोर्टिंग रोल वाले रहते हैं ना, सपोर्टिंग रोल। प्रति नायक इसमें कोई नहीं, यही है पद्मावती है, यही है इसकी नायक। अन्य पात्रों में सर योगंधरायण वसुंधरा अवंतिका ये सब है खलनायिका। देखो इसमें क्या दिया, इसमें घटना क्या होती, कहा गया धरोहर, धरोहर समझते हो, धरोहर किसी का रखना सबसे कठिन काम है, कोई चीज उसमें अगर पैसा रख लो कोई सामान रख लो मोबाइल रख लो एक बार चल जाता, लेकिन अगर किसी की बहन हो बेटी हो इनको धरोहर के रूप में रखना बहुत कठिन काम होता, कोई भी समस्या होगी आप पे आरोप आएगा। तो ये क्या होती है, पद्मावती एक बार जंगल में जाती है, ठीक जंगल में गई लोगों से मिलने, तो वहीं पे ये यौगंधरायण किसको लेके आता है वासवदत्ता को, इससे कहता है पद्मावती से कि ये मेरी जो है बहन है, मैं जा रहा हूँ परदेश और मेरी बहन को आप अपने यहाँ दासी के रूप में रख लीजिए जो है, क्योंकि ये बात आई थी कि वासवदत्ता जो है जंगल में जल के मर गई है, ये बात पूरी तरह से अफवाह फैलती है, तो ये बात कौन करवाई थी पद्मावती, तो ये वासवदत्ता को यौगंधरायण इसके यहाँ दासी के रूप में रखने का निवेदन करता, तो उसने कहा है कि मैं सब कुछ रख सकती हूँ, पैसा मांग लो दे सकती हूँ, जो कहूँ वो कर सकती हूँ, लेकिन ये धरोहर मेरे पास मत रखो। देखो ये सबसे कठिन काम है जो शास्त्रों में पहले बताई गए हैं वो आज भी लागू होती है, धरोहर में इन चीजों को संभालना बहुत कठिन काम होता है, उनको देखना, क्योंकि कोई भी घटना होगी आरोप तो आप पे आने वाले हैं, और कहा कौन किसकी आज सुनता है, समझ रहा हूँ, सब तो अपने अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं अपने अनुसार चलते हैं, ऐसे 10-5% है जो लोगों के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि अब सबकी अपनी एक थिंकिंग है और उसी थिंकिंग के अनुसार लोग काम को कर भी रहे हैं संपन्न भी कर रहे हैं। होता क्या है ये चली जाती है किसके यहाँ जानते हो, पद्मावती, लेकिन इसने शर्त रखा आपको घूंघट में रखना रहना, बहुत सुंदर कन्या थी कौन वासवदत्ता, और उदयन जो नायक है अगर इसको सुंदर कन्या दिखाई दी या तो उससे प्रेम करेगा या तो विवाह करेगा, ये डर था इसकी पत्नी को, जैसा कि प्रायः हर पत्नी को डर होता है कि मेरा पति अन्य सुंदर कन्याओं से ज्यादा देर तक बात न करे, ज्यादा वार्तालाप न करे, ऐसा डर लगता है, मैं भी रहूंगा मेरे मैं ही अगर पत्नी हूँ मेरा पति किसी सुंदर कन्या से ज्यादा देर बात करे मुझे ही जलन होगा, ये कंट्रोल रही थी। तो ये वासवदत्ता क्या करती है, इसने कहा आप घूंघट में रहिए ताकि मेरा पति आपका चेहरा नहीं देख पाएगा, जो है ये रहती, लेकिन कितना दिन घूंघट में कोई रहेगा बताइए, अब घूंघट वाले को लोग और देखना चाहते हैं। उदयन ने सोचा, हाँ राजकुमारी थी उदयन की पत्नी थी, तो इसने सोचा ये कौन सी दासी आ गई जो घूंघट में रह रही है, तो उसी को देखने के लिए महीनों चक्कर काटता है, और एक दिन उद्यान में देखता है तो इसमें जो है अनुरक्त तो हो जाता है, अब इसी के याद में ये बीमार हो जाता है, कौन उदयन बीमार, मतलब देखो अभी वास्तविक किसने होगा ना, पक्का बीमारी हो जाती है, भूख प्यास बंद हो जाती है,
उस व्यक्ति को देखने का हृदय तड़पड़ाने लगता है, जब तक उसको देख न ले भूख नहीं लगती। लेकिन ऐसा वास्तविक स्नेह होने पर, टेम्पोररी स्नेह में देखा देखा नहीं देखा कोई, तो बेचारा बीमार हो जाता है। अब इसी को दवा लेकर के लेप लगाने के लिए जाती है कौन, ये स्वप्न। देखो ग्रंथ का नाम क्या है, स्वप्न वासुदत्ता ने, तो ये बेचारा स्वप्न देख रहा है उसी में स्वप्न वासुदत्ता का नाम बोल रहा है। तब तक ये जाती है दवा लेकर के और इसको हाथ पकड़ लेता है स्वप्न में जो है, और ये वास्तविक में ये इसको लगता है पद्मावती बैठी है और बैठी थी ये जो है। अब ये पकड़, इसको डर लगा कहीं हमको पहचान गए क्या जो है। तब तक वहां पे कौन आ जाती है, ये पद्मावती आने लगती है, ये दूर चली जाती है। तो लेकिन ये बात ये जान गई कि ये मुझे जान गया है, पहचान गया कि मैं ही वासुदत्ता हूँ, और ये बात इसको भी जब पता चलती है तो बाद में इन दोनों का जो है फिर विवाह कराते हैं और ये वासुदत्ता को लेके चला आता है। किसको छोड़ देता है, पद्मावती को छोड़ देता है, फिर ये दोनों इसके साथ रहते हैं। ये सिंपल सी कथा थी। अब आगे की शेष कथा जो है कल के वीडियो में इसी टाइम पुनः आपको सुनाई जाएगी, बताई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।